हमीरपुर पुलिस ने बीती रात वाहन चेकिंग के दौरान दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है जो ट्रक में भरकर गांजा सप्लाई के लिए महोबा जनपद ले जा रहे थे। पुलिस के अनुसार गांजे की कीमत 80 लाख रुपया की जा रही है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में बिवार थाना में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक पकड़ा गया। उस ट्रक में कुल 8 क्विंटल गांजा जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है और ट्रक जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है ये पकड़ा गया। ये बेसिकली रायपुर से ये ला रहे थे और महोबा ले जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पकड़े गए इसमें से दो अभियुक्त दानिश और रईस खान मौके से गिरफ्तार हुए और 4 शिबू, फरीद, हारून और आरिफ ये लोग इनकी गिरफ्तारी शेष है। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि ये बेसिकली मौदहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और रायपुर में रह करके ये इस कारोबार को अंजाम देते हैं। वहाँ से ये विभिन्न जनपदों में भेजते हैं, बेसिकली उड़ीसा से ला करके फिर रायपुर लाते हैं, रायपुर से ये महोबा और आसपास पूरे बुंदेलखंड और कई प्रदेशों में ये गांजे का कारोबार करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।